ओके सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कमाल की हाइपर ओएस के थीम के बारे में, जिसको आप इजीली अपने किसी भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco का डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। और इसका जो UI लुक वगैरह है, सब कुछ आपको हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो इसका होम स्क्रीन का जो विजेट्स है, आइकॉन पैक वगैरह, कंट्रोल पैनल, और इसका जो लॉक स्क्रीन है वो भी देख सकते हो। ये भी आपको हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ये नहीं, इसका जो सेटिंग्स के इंटरफेस है प्लस इसका बूट एनिमेशन वगैरह एवरीथिंग सबको हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। और मैं 5 थीम्स बताऊंगा और जो यूजर लास्ट तक देखेगा उसको एक बोनस थीम भी देखने को मिल जाएगा। ओके, और वो भी सेम आपको हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नया होगा Xiaomi, Redmi या फिर Poco यूजर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो पहला थीम है उसका नेम है हाइपर UI V5। चलो मैं इसको अप्लाई करता हूँ और लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, आइकॉन, सिस्टम सब कुछ मैं अप्लाई करूँगा। तो वेट करो। ओके डन, अप्लाई हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका होम स्क्रीन से। ओके सो अप्लाई करने के बाद आप होम स्क्रीन पर नोटिस करना है इसका जो विजेट्स है वो आपको बहुत कमाल का देखने में लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका आइकॉन पैक। तो इसमें आप ध्यान देना, इसका जो आइकॉन वगैरह है उसमें आपको थोड़ा एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओके तो ऐप ओपन करने के बाद क्लोज करने से आपको थोड़ा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, सो नोटिस कर सकते हो। और सारे एप्लीकेशन में आपको न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, सो इजीली इसको यूज़ कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सेटिंग्स का UI। सो सेटिंग्स का जो UI है वो भी आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा। तो जो इसका सेटिंग्स का जो आइकॉन्स वगैरह है उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। ओके इसका माई डिवाइस में इसका शायद हाइपर ओएस देखने को मिल जाएगा और मेरे ये वाला पोर्ट्रेट रूम है, सो इसलिए इसमें एंटर नहीं होते। अब देख लेना आपके फ़ोन में एंटर होगा तो उसमें भी आपको न्यू लुक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इसका कंट्रोल पैनल की। तो इसका भी जो टॉगल्स वगैरह इसमें आपको थोड़ा न्यू कुछ UI देखने को मिल जाएगा टॉगल्स वगैरह में। ओके और ये वाला कंट्रोल पैनल हाइपर ओएस का है, जिसको आप इजीली अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हो विदाउट रूट। अगर नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाले वीडियो को देख के इजीली वाला कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर लेना। ओके नेक्स्ट बात करेगा इस सबसे कमल का फीचर जिसका, तो वो है इसका लॉक स्क्रीन। सो देख सकते हो गाइस ऑन करने से आपको न्यू एक एनिमेशन मिल रहा है लॉक स्क्रीन में। ओके और सिर्फ यही नहीं, आपको ये वाला वॉलपेपर अगर चेंज करना है तो इधर डबल टच करना होगा। ओके इधर देख सकते हो डबल टच करना होगा और ये वाला वॉलपेपर चेंज होते रहे। आपको अगर ये वाला वॉलपेपर पसंद नहीं है, आप अगर नॉर्मली गैलरी से कोई वॉलपेपर सेट करना चाहते हो तो इसमें कस्टम कर सकते हो। ओके सो बैक में आना, उसके बाद गाइस कस्टम थीम पे जाना, लॉक स्क्रीन, उसके बाद देख सकते हो कस्टमाइज। ओके कस्टमाइज पे आने के बाद आपको नीचे आना होगा, उसके बाद देख सकते हो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर स्टाइल। ओके आपको नॉर्मली करना होगा कस्टम लॉक स्क्रीन अगर आपको गैलरी से कोई वॉलपेपर चाहिए। उसके बाद नीचे देख सकते हो कस्टम लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चैनल, यहाँ पर टच करना होगा, नॉर्मली गैलरी सेलेक्ट करना। सो गैलरी सेलेक्ट करने के बाद रुक जाओ, मैं वॉलपेपर सेलेक्ट करके मिलता हूँ। ओके मुझे अगर ए वाला वॉलपेपर चाहिए हाइपर ओएस का, सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद देख सकते हो नॉर्मली बहुत अच्छा लगता है देखने में, सेम टू सेम लगता है कि हाइपर ओएस है। ओके और ए वाला जो क्लॉक वगैरह टाइम वगैरह का कलर आपको चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वीडियो को एंड तक देखना, मैं लास्ट में वो बताऊंगा। ओके तो वीडियो को एंड तक देखना। सेकेंड थीम जो है गाइस वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा और इसका जो आइकॉन्स पैक है वो सेम टू सेम गाइस आपको हाइपर ओएस का देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स का जो इंटरफेस है वो भी आपको हाइपर ओएस का देखने को मिल जाएगा और थोड़ा आपको लेआउट की में ये वाला जो सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाएगा, लगेगा कोई कस्टमर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके और इसमें भी आपको इसका जो MIUI का जो वर्सन उसमें शायद आपको हाइपर ओएस देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे में पोर्ट्रेट रूम है इसलिए नहीं होते। नेक्स्ट बात करें इसका क्यूएस पैनल जो कंट्रोल पैनल, सो इसमें भी आपको इसका टॉगल्स थोड़ा चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। इधर आपको थोड़ा ग्रीन इफेक्ट मिलेगा और ये भी कमाल का लगता है देखने में। वॉलपेपर आपको हाइपर ओएस का मिल जाएगा, आइकॉन्स पैक वगैरह तो देख ही सकते हो सेम टू सेम हाइपर ओएस का मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें सबसे कमाल की जो है इसका क्लॉक, जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक देख सकते हो, इसमें भी आपको एनिमेशन मिल जाएगा और ये भी आपको हाइपर ओएस की तरह ही देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन आपको कस्टम वॉलपेपर चाहिए गैलरी से कोई वॉलपेपर, सो उसमें भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब गैलरी से कोई से भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो। सो नोटिस करना, मुझे अगर हाइपर ओएस कस्टम वॉलपेपर कर दिया, सेलेक्ट किया गैलरी से, रुक जाओ थोड़ा ब्लर कर देता हूँ पहले से। ओके अगर हाइपर ओएस का वॉलपेपर चाहिए सो मैं ये वाला ऐड कर दिया, देख सकते हो हाइपर ओएस का तरह देखने में लगता है। और ये वाला जो क्लॉक का कलर चेंज करोगी ना, रेड वगैरह ग्रीन वगैरह कर दोगे तो और भी आपको कमाल का लगेगा देखने में। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। ओके सीधा रे कोड वगैरह देना होगा, तो कैसे कर सकते हो एंड तक देखना मैं बताऊंगा। और ये वाला थीम के नेम की बात करें
सबसे पहले थीम का नेम है गाइस हाइपर माइंड। ओके ये भी थीम स्टोर पे जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। थ्री नंबर थीम का बात करें तो वो आप देख सकते हो, कुछ मिनिमल से देखने में लग जाएगा। आइकॉन्स पैक बिल्कुल चेंजिंग है। सेटिंग्स देख सकते हो, सेटिंग्स में आपको क्लीन यूआई देखने को मिल जाएगा और थोड़ा आपको चेंजिंग नहीं फील होगा। ओके सेटिंग्स में नॉर्मली बोल सकते हो, लेकिन इसका होम स्क्रीन का जो आइकॉन्स पैक और इसका जो विजेट से आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डेटा वाला ऑप्शन है, वोल्टी वाला जो शो होता है, उसमें आपको भी देखने को मिल जाएगा। जो नेटवर्क का आइकॉन से वो आपको चेंज मिल जाएगा। इसका जो टॉगल्स वगैरह है, इसमें आपको रेड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, कोई टॉगल से एक्टिव रहेगा तो। सो ये बहुत मिनिमल से देखने में लगता है। और ब्राइटनेस और वॉल्यूम का जो इसका लोगो है, वो आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा। ओके वॉलपेपर आपको कमल का देखने में लग जाएगा। लॉक स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं मिलेगा, नॉर्मली इस तरह से ये आपको मिल जाएगा, हाइपर यूआई V2। ओके अब बात करेगा इस फोर्थ नंबर थीम का, जिसका लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसका जो वॉलपेपर का जो लॉक स्क्रीन है, जो वॉलपेपर है, वो भी बहुत कमल का देखने में लगते हैं। नॉर्मली इधर से आप वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हो, कलर्स वगैरह। सो देख सकते हो आप इसमें कस्टम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, पहले वाले जो फास्ट वाले थीम्स में जो दिखाए हैं उस तरह से कर सकते हो। हाइपरवेस का वॉलपेपर चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं होम स्क्रीन। तो बूम देख सकते हो गाइस, ये भी आपको बहुत क्लीन यूआई के साथ मिल जाएगा। वॉलपेपर के साथ आइकॉन्स पैक जो वगैरह है, वो आपको बहुत कमाल का देखने में लगता है। इसका जो विजेट्स है, ये भी आपको बहुत कमाल का लगता है देखने में। और इसका जो सेटिंग्स है, इसका जो यूआई वगैरह है, आइकॉन्स वगैरह, फास्ट जो थीम दिखाई हो उस तरह से आपको देखने के मिल जाएगा। आइकॉन्स में आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, डायलर में देख सकते हो। और मैं इसमें एक चीज़ नोटिस किया हूँ, आप अगर नॉर्मली पहले जो भी थीम्स, मतलब जो भी एप्लीकेशन में एंटर करी, उसके बाद जिसमें जाएगी, क्लोज करने के बाद इसका ही एनिमेशन जो एंड में दिखाएगा, देख सकते हो। थीम्स का नेम की बात करें तो ये है हाइपर यूआई V4। ओके और ये भी बहुत कमाल का लगता है, आप नॉर्मली इसको इजीली डाउनलोड कर लेना। इसमें भी आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में, सो देखना इधर से। ओके बात करेंगे इस 5 नंबर थीम का, सो ये है देख सकते हो हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। इसका जो क्लॉक है, क्लॉक का कलर इसको मैं चेंज किया हूँ। और वॉलपेपर जो है, ये भी कस्टम वॉलपेपर है और सेम हाइपर ओएस की तरह देखने में लगता है। और ये मेरा फेवरेट थीम्स है इसमें से। ओके ये वाला सीरीज में सबसे फेवरेट थीम है मेरा ये। चलो बात करते हैं इस होम स्क्रीन का, तो देख सकते हो इसका जो विजेट से होम स्क्रीन का, वो भी आपको बहुत कमाल का देखने में लगता है। और ये सेम टू सेम का हाइपर ओएस का जो विजेट से, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आइकॉन स्पेक देख रहे हैं जो, वो भी आपको हाइपर ओएस का ही देखने को मिल जाएगा। जो सेटिंग्स में एंटर करने पर आपको थोड़ा लेआउट में चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। इसका जो कंट्रोल पैनल है, इसका जो कलर्स वगैरह, एक्टिव कलर में आपको थोड़ा ये वाला कलर देखने को मिल जाएगा। और ये भी बहुत कमाल का लगता है। डेटा वगैरह का जो आइकॉन से, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर जो है, वो भी आपको इस आइकॉन पैक के साथ बहुत मिनिमल से लगता है। लेकिन रुक जाओ, मैं कस्टम वॉलपेपर सेट करता हूँ होम स्क्रीन पर, आप उसके बाद देखना कैसा लुक देता है। ओके ओके देख सकते हो मैं हाइपर ओएस का वॉलपेपर सेट कर चुका हूँ और कितना कमल का देखने में लगता है। और ये वाला वॉलपेपर चाहिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये मेरा फेवरेट थीम है इस सीरीज में से। चलो थीम्स का नेम की बात करें से आपको मिल जाएगा हाइपर मैक्स करके। ओके ये वाला जो थीम से, ये बोनस थीम है। और इसका लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो, सेम टू सेम आपको हाइपर ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा। डबल टैप करने से इसका जो कलर से, वो आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा देखने को। होम स्क्रीन का बात करें तो इसमें भी आपको वाला मिनिमल से वॉलपेपर मिल जाएगा। आइकॉन स्पेक वगैरह आपको हाइपर ओएस का मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल में हाइपर ओएस का लुक, सेटिंग्स में आपको ज़्यादातर चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेआउट में आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा, बहुत मिनिमल से देखने में लगता है। ओके ओके अब बात करेगा इस थीम्स के नेम की, सो नॉर्मली थीम स्टोर पे जाके सर्च कर लेना हाइपर यूआई V3। बात करते हैं अब इस कैसे लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक है, उसका कलर को चेंज कर सकते हो। तो रुक जाओ, मैं पहले जो मुझे थीम्स पसंद है लॉक स्क्रीन में, ये वाला नॉर्मली डिफॉल्ट कर लेता हूँ। ओके उसके बाद आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज, कस्टमाइज पे जाना होगा। नीचे आप देख सकते हो कलर कोड। ओके आपको जो कलर है, वो आप कैसे चेंज, कौन सा कलर चेंज करने, टाइम का जो हावर है उसका, या फिर टाइम का जो मिनट है उसका। सो मुझे टाइम हावर का कलर चेंज करना है। सो करने के बाद आपको नॉर्मली ब्राउज़र में जाना होगा, इसमें आपको टाइप करना होगा कलर कोड। ओके कलर्स कोड, उसके बाद आपको जो कलर चाहिए, सो मुझे रेड चाहिए, सर्च कर दिया। ओके इसको कॉपी करने वाला जो कोड दिया मुझे, इसको कॉपी करना, कॉपी। इधर आने के बाद जो हावर में, आप इसको रिमूव कर देना नॉर्मली जो रहता है, उसके बाद इसको पेस्ट कर देना। ओके उसका देख सकते,
रेड हो गया। तो इस तरह से गाइस आप इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। रुक जाओ मैं कोई हाइपरवेयर का जो वॉलपेपर उसको सेट करता हूँ, उसके बाद देखना कैसा कूल लगता है देखने में। ओके देख सकते हो क्या लुक है गाइस हाइपर यूआई का। ओके सो इस तरह से गाइस इजीली चेंज कर सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ लाइक। चैनल पे नया हो गाइस और इस तरह से और भी थीम्स का वीडियो चाहिए सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।